अब बात आपकी खाने की थाली की, जिसका जायका महंगाई ने बिगाड़ दिया है। सब्जियों की कीमत अखिल भारतीय समस्या का रूप ले चुकी है। क्यों त्योहारी मौसम में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए। लाल टमाटर टेंशन दे रहा है, प्याज की कीमतें रुला रही हैं, आलू के दाम निकाल रहे हैं दम। आम आदमी की दौड़ रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन 2 जून की रोटी के साथ 2 वक्त की सब्जी भी जरूरी है। इसी जरूरत ने फिलहाल लोगों की जेब पर महंगाई की स्ट्राइक मारी है। जो उसका कमाने वाला है, उसके लिए शाम को रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना रेट ऊंचा हो गया है कि बस बयान से बाहर है, बहुत ज्यादा बाहर है। नाश्ते की प्लेट हो या लंच की थाली या फिर डिनर, हर पहर महंगाई का झोंका लगा है। आम आदमी किसी महंगी सब्जी को खरीदने से परहेज कर भी ले, लेकिन थाली की बेसिक जरूरत वाली सब्जियां भी अपनी कीमतों पर इठलाने लगी हैं। दिल्ली के मयूर विहार की एक सब्जी मार्केट में है, खुदरा मार्केट है ये, जहां पर तरह तरह की सब्जियां हैं, लेकिन इनके दाम जो है वो पिछले कुछ दिनों में चढ़े हुए हैं। आलू जो कुछ दिनों पहले 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा था, अब जो है वो 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं प्याज के दाम भी जो है वो तकरीबन 40 रुपए प्रति किलो की दाम से बिक रहे हैं। वहीं टमाटर की बात करें तो टमाटर भी 60 रुपए प्रति किलो हो चुका है। महंगी सब्जियां अखिल भारतीय संकट का रूप ले चुकी हैं। राजधानी दिल्ली नहीं, आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सब्जियों की कीमतों का सेंसेक्स लगातार चढ़ रहा है। हम इस वक्त आए हुए हैं मुंबई के दादर मार्केट में, और जैसा कहा जा रहा है कि आलू और टमाटर के दाम भी बढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? मैं इस वक्त ये सब्जी मंडी और ये थोक व्यापारी यहाँ पर आप देखिए कि बैठे हुए हैं। भाई साहब, अभी टमाटर क्या रेट चल रहा है? 40 रुपीज किलो। 40 रुपए किलो। जो कांदा पहले 20 रुपए किलो था, अभी डायरेक्ट 32 रुपए 36 रुपए किलो हो चुका है होलसेल भाव। रिटेल में तो पूछो मत। भाई साहब, अभी टमाटर का रेट वगैरह क्या चल रहा है? 60 रुपए 50 रुपए किलो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आलू और टमाटर के बढ़ते दामों ने लोगों की पेशानी पर बल ला दिया है, और खरीदार जरूरी सब्जियों के लिए सरकार से सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। ये ऐसी सब्जी की हर में टमाटर डलता है, हर में आलू डलता है, तो ये चीजें तो थोड़ी हर घर में पहुंचनी चाहिए। इसकी कीमत ऐसे रखे सरकार, ये सब सरकार ही कर सकती है। सरकार को कुछ ऐसी कृषि नीति बनानी चाहिए कि आलू टमाटर जो एक आम सामान्य गरीब आदमी का भोजन है, उसके उत्पादन के लिए बढ़ावा देना चाहिए, सब्सिडी दे आलू प्रोडक्शन के लिए। पूरब में भी सब्जियों के दाम टक्कर दे रहे हैं, और लोग बढ़ी हुई कीमतों के लिए जेब में ज्यादा नोट रखने को मजबूर हो गए हैं। 500 का शायद 1000 नहीं होगा, लेकिन 500 का आपका 750-800 तो हो ही गया होगा, मैं डबल नहीं होने से भी। लेकिन जैसे ठंडे के मौसम में एक्सपेक्ट करते हो कि चीजों के दाम कम होंगे, उस तरह से हुआ नहीं है। देश भर में सब्जियों की कीमत में उछाल क्यों आया है, उसे भी समझिए। अक्टूबर में भारी बारिश से फसलों को नुकसान हुआ, टमाटर का उत्पादन 4% कम और आलू का उत्पादन 5% कम हुआ। त्योहारों के दौरान अधिक मांग से कीमतें बढ़ी, सब्जी के साथ साथ सफर भी महंगा हो गया है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ा दिया है। अब टैक्सी में 1 किलोमीटर का किराया 25 से बढ़कर 40 रुपए और ऑटो का मीटर 25 के बजाय 30 रुपए प्रति किलोमीटर से डाउन होगा। हालांकि केजरीवाल सरकार के इस फैसले से ऑटो चालकों में राय बटी हुई है। बढ़ी कीमतों से ऑटो चालकों को कम सवारी मिलने का डर है, इसलिए वो CNG की कीमत कम करने की मांग पर अड़े हैं। CNG है, उसका दाम कम कर दे, किराया वो का वो रहे, जो पब्लिक को भी नहीं जोर पड़े, हमें भी नहीं पड़े। किराया बढ़ेगा, हमारा काम कम होगा। काम कम इसलिए होगा क्यों, वो किराया बढ़ने से हमारी गाड़ी पे पैसेंजर नहीं आएगा। गैस का भी तो रेट बढ़ गया ना, उस हिसाब से उन्होंने किराया बढ़ा दिया। आज गैस कितने रेट हो गया, पहले कितना कम था, अब कितना ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए देख के उन्होंने टैक्सी का और ऑटो का किराया बढ़ा दिया। और अब खबर हरियाणा की, जहां आज से पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। पहले फेज के लिए 9 जिलों में मतदान हो रहा है, जबकि पंचों और सरपंचों के लिए 2 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा के 22 जिलों में से 9 जिलों में आज पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जिन 9 जिलों में वोटिंग हो रही है, उनमें भिवानी, झज्जर, जिंद, कैथल, महेंद्रगढ़, नू, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर शामिल हैं। पंचायत चुनाव में आज जिला परिषद
सदस्य और पंचायत समितियों के लिए भी वोटिंग हो रही है, जबकि पंच और सरपंचों के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें 133 सरपंचों और 17,158 पंचों को निर्विरोध चुना गया है, जबकि पंचायत समितियों के लिए 56 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव करीब 21 महीने की देरी से हो रहा है। फिलहाल वोटिंग तो हो रही है, लेकिन नतीजों के लिए 27 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।